What is good, kaisa kya hai? Shyam Kulja coming at you from my hall. और ये इसको जो आप देख रहे हो, जिसको लेके जाना है डॉक्टर के पास. I need all of you to stop what you're doing and listen. निकलने से पहले इसको थोड़ा सा बाहर घुमाना पड़ेगा ताकि जाने से पहले ये हल्का हो जाए, तो वो कर लेते हैं पहले. अभी बिफोर लीविंग मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है. ऑफकोर्स पहले कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन इस साल नोटिस कर रहे हैं क्योंकि हर जगह वही है. तो बस आप इसकी ये जो फाइल है इसमें इसके वैक्सीन का नाम देख लो. मतलब 2020 अगर आप सोच रहे हैं कि लियो को क्या हुआ, उसको डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए. सिर्फ एक वैक्सीन विजिट थी, उसके वैक्सीन्स ड्यू थे. तो जैसे ही हम क्लिनिक के पास पहुंच जाते हैं वो अपने आप सेंस कर लेता है और वो कांपने लगता है. आई डोंट नो आप इस क्लिप में देख सकते हैं या नहीं, लेकिन वो काफ़ी कांपता है. फिर उसको अंदर ले जाने के बाद पड़े 3 अलग इंजेक्शंस, लेकिन वो यूजुअली इतना डरा हुआ होता है कि इंजेक्शन्स उसको फील भी नहीं होते. तो इस बार आफ्टर द इंजेक्शन्स हमने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ उसके नाखून और चेहरे के बाल काट दीजिए. एक तो इस लॉकडाउन की वजह से उसका भी सैलून बंद है और उसके चेहरे के बाल फिर उसके आँखों में घुसना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए हेयर कट के बाद वो कुछ ऐसा दिखा. और वैसे उसके बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं, आप मेरी पैंट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके कितने बाल गिरते हैं. तो क्लिनिक के बाद हम गए पेट स्टोर, जहाँ से उसके लिए लिया गया खाना और एक नया टॉय, एक नया बॉल, क्योंकि उसका जो पुराना वाला बॉल था वो कहीं पे तो खो गया है. एंड ही एब्सोल्युटली लव्स दिस न्यू बॉल. और लकीली ये सब हमने किया बिफोर द रेन स्टार्टेड, तो बारिश आने से पहले हम लकीली गाड़ी में थे. Several song-filled hours later. So, वापस आने के बाद my uncle gave me a haircut. I know उतना पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि ऊपर से मेरे को बड़े ही रखने थे, बस साइड से और पीछे से थोड़े छोटे कर दिए. First time in my life, I am sort of enjoying the medium length hair. सो हाँ, लॉकडाउन में ये एक चीज़ बदली है. ऑल्सो अभी 2 हफ्ते हो गए मैंने एक्सरसाइज नहीं की. एंड हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं 1 साल तक कंटिन्यू करूँगा. सो द अपडेट ऑन दैट इज़ कि आई फॉलो द टाइमिंग्स, लेकिन यू नो फूड का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. आई बीन टेकिंग इट रियली रियली लाइटली, तो आई डोंट इवन थिंक इट काउंट्स एनी मोर. सो या द अपडेट इज कि वो ख़त्म हो गया, जिस मेरे को लगा कि आपको बता दूँ. आज मैं 2 स्टिकर्स लगाने वाला हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैं स्टिकर लगाना भूल गया. सो टुडे स्टिकर्स आर गोना बी फ्रॉम द एनिमे नारुतो, जो मैं अभी रिसेंटली फॉलो करने लग गया हूँ एंड आई लव इट. So yeah, these 2 go on the wall today. You tell me that you love me. Stickers हो गए हैं. Also एक important life update कि मेरा
मस्त पेट वापस आ गया है. नाउ आई डोंट नो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों है, लेकिन मैंने सोचा कि जान लो तो बेहतर है. एंड दैट शुड बी इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ यू एंजॉयड इट प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, पुट अ कमेंट डाउन बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय. चला आता मैं तो भेटे अपन लवकरच. गुड बाय, अलविदा, हास्ता लुएगो. Yeah, we keep on trying, we just stop.